नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका गुरुजी ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपको लंबाई से संबंधित कारक और उनका आपस में संबंध किस प्रकार है, इसके विषय में जानकारी देंगे। दोस्तों देखिए, अगर हम आपको बताएं इंच, फीट, यार्ड, मील और सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये दोनों अलग अलग पद्धतियाँ हैं। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये अलग पद्धति है, इंच, फीट, यार्ड ये लंबाई मापने की एक अलग पद्धति है। लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में यहाँ पर देखते हैं तो ये काफ़ी यहाँ पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो थोड़े में काफ़ी अंतर होता है। तो उसी प्रकार हम इनमें क्या संबंध है, ये कितना कितने के बराबर होता है, इस सब की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक फीट जो है वो 0.3048 मीटर के बराबर होता है। एक यार्ड बराबर होता है 0.9144 मीटर के। एक मील हमारा होता है बराबर 1.60934 किलोमीटर के। यहाँ पर जो हमारा मील है वो किलोमीटर से बड़ा होता है, ये भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और फिर अगर हम देखें यहाँ पर कि सेंटीमीटर इंच से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए एक सेंटीमीटर बराबर 0.3937 इंच और एक मीटर बराबर 3.28084 फीट और एक मीटर यहाँ पर हमारा 1.09361 यार्ड। यार्ड को हम गज भी कहते हैं सामान्य बोलचाल में। और एक किलोमीटर बराबर होता है 0.62137 मील। तो यहाँ पर हमने ये आपको लंबाई के कारक बताए, इसके अतिरिक्त हम ऊर्जा और कई और प्रकार के आपके लिए कारक बताएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी इस विषय में जानकारी दें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो नया जो जानकारी आपके लिए डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगी, जिससे आप वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।